तो राजस्थान चुनाव की अपडेट में आपको बता दें, धौलपुर में बूथ कैप्चरिंग का प्रयास, बाड़ी में जमकर हुआ पथराव और फायरिंग, टोंक में भी तनाव देखने को मिला है। तो आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच धौलपुर के बाड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ बूथ कैप्चरिंग की खबर आई है, जिसकी वजह से बाड़ी में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल मचा, वहीं टोंक से भी तनावपूर्ण की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, राजस्थान में मतदान जारी है, ऐसे में धौलपुर के बाड़ी से बूथ कैप्चरिंग की खबर है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया गया है और जमकर पथराव और फायरिंग की गई है। तो मतदान की ड्यूटी में लगे कर्मियों से भी मारपीट की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आंसू गैस चलाकर ग्रामीणों को खदेड़ने का प्रयास किया। बाड़ी विधानसभा के खुले का पूरा गांव का मामला, जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और एसपी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, हालांकि टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर लोगों से मुलाकात भी की थी, लेकिन टोंक से ऐसी खबरें हैं कि शांतिपूर्ण वाले मतदान पर सवाल उठ रहे हैं।